नमस्कार, मैं मोनिका चौहान एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है दोपहर का भोजन। यह अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रख कर शायद पैर की उंगलियाँ या जमीन पर चलते चीटी चीटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मलमल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि वो सारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थीं। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए उधर से गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वह वहीं उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्याग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी उसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रख कर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम्म से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और फटे पुराने जूतों पर गर्द जमा हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरनी की भांति सिर उचकाकर घुमाकर बेटे को व्याग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर ना देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें और होंठों पर झुर्रियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम करता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी
और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रख कर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने स्वयं पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आँखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल में एक दो टुकड़े पालकी नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं ज़रा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार करने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे हुए टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आँख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा, भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली, जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 2400 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं
वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटियाँ तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई ही नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुँह लगाकर सुड़सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे सरका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। दो रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठकर रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को ज़रा और ज़ोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खा कर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी किए रहता है, बोला, बाबूजी देवता के समान हैं। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, ए क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान हैं, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आज कह रहा था कि भैया के शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे, उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था, असल तो यह कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर वह अचानक ज़ोर से हंस पड़े। मुंशी जी डेढ़ रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे, कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर कर कर खांसने लगे, फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहरे की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी, उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले दो दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे रहा ही नहीं गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने
चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुछ दानों को बंदर की तरह बिन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट तो काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत भी ऊब गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हांडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वे ठहाका मार कर हंस पड़े। मुंशी जी के निबटने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौकी की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह चूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि उसका ध्यान उस सारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एक टक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब ना मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भनभन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता ही नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे डेढ़ महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। धन्यवाद दोस्तों।